आज के दौर में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, साइबर क्राइम भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहा है। ताजा मामला अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। इस बार आरोपियों ने जिसको ठगना चाहा है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। विजय शर्मा का निजी डाटा कंपनी के ही 3 कर्मचारियों ने चोरी कर लिया और फिर ब्लैकमेल किया। इस मामले में नोएडा के सेक्टर थाना 20 में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कार्रवाई कर ब्लैकमेल करने वाले 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है जो विजय शर्मा की सेक्रेटरी बताई जा रही है। उसी के जरिए यह डाटा चोरी किया गया था। विजय शर्मा ने उनसे शिकायत की थी कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद पुलिस को उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को जब वो जापान में थे उसी समय उनके पास थाईलैंड के एक नंबर से ब्लैकमेलर का कॉल आया। उसने दावा किया कि विजय शर्मा के निजी डाटा उसके पास है। इसके एवज में ब्लैकमेलर ने 20 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वो ये पर्सनल डाटा सार्वजनिक कर देगा। इसके बाद विजय शर्मा ने उनके अकाउंट में 2 लाख डलवा भी दिए और फिर पुलिस से शिकायत की। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो मामला खुलता चला गया, जिसके बाद पता चला कि यह ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि कंपनी के ही कर्मचारी हैं। नेक्स्ट 9 टैक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।